नेपाल को बनाने थे 208 रन और इसके बाद पलट गया पूरा मैच। जी दोस्तों, नेपाल और अमेरिका की टीम के बीच वर्ल्ड कप क्वालिफायर का मुकाबला खेला गया, जहां इस बड़े मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। और दोस्तों, उनका ये फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि दोस्तों 18 रन के स्कोर पर अमेरिका के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे और इस मैच में अमेरिका की हालत बेहद ही खराब हो चुकी थी। तो एक तरफ इस मैच में नेपाल के गेंदबाजों ने इस मैच में कहर बरपा दिया था, जहां एक तरफ तो अमेरिका के एक के बाद एक विकेट गिर रहे थे, लेकिन दोस्तों एक तरफ सुशांत मोदानी और श्यान जहांगीर ने इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करी, जहां सुशांत मोदानी तो 42 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन एक तरफ श्यान जहांगीर ने इस मैच में शानदार बैटिंग करते हुए 69 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों, उनकी शानदार बल्लेबाजी की वजह से ही अमेरिका की टीम ने 49 ओवर खेलने के बाद 207 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। और दोस्तों, श्याम जहांगीर 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, लेकिन दोस्तों इस मैच में नेपाल के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी करी, जहां नेपाल की तरफ से करण केसी को 4 विकेट हाथ लगी थी, तो गुलशन झा ने भी 3 विकेट चटकाए थे और दीपेंद्र सिंह को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। और दोस्तों, जब इसके जवाब में नेपाल की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत इस मैच में कुछ अच्छे अंदाज में नहीं हो पाई थी, क्योंकि 25 रन के स्कोर पर ही उनको पहला झटका लग गया था और आसिफ शेख 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ खुशाल ब्रुटेला शानदार फॉर्म में दिख रहे थे, लेकिन वो भी 74 रन के स्कोर पर 39 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां इसके बाद कप्तान रोहित पिडुल और भीम शर्की पर सारी नजरें टिकी थी और ये दोनों बल्लेबाजी इस मैच में बेहद ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। और इसके बाद कप्तान रोहित 16 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो इसके बाद एक और झटका नेपाल को 137 रन के स्कोर पर लगा। खुशाल माला 13 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद भीम सरकी और दीपेंद्र सिंह ने इसके बाद कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 75 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके इस मैच में नेपाल को एक बड़ी जीत दिलवाते हुए नेपाल को ये मुकाबला 6 विकेटों से जितवा दिया। जहां इस मैच में भीम शर्की 77 रन बनाकर नॉट आउट रहे, तो दीपेंद्र सिंह ने भी 39 रन बनाए थे। और दोस्तों, नेपाल की ये वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहली जीत हो चुकी है।